देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव स्टूडेंट फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन फोर गेम्स अब प्लेयर्स हैं प्लेयर्स कौन से ए बी सी तीन प्लेयर्स हैं वो क्या एक टेबल फॉर्म में क्या शो कर रखा है कि ए प्लेयर ने गेम वन में कितना स्कोर किया फोर्टीन गेम टू में स्कोर किया सिक्सटीन और गेम थ्री में टेन और गेम फोर में टेन स्कोर है हर प्लेयर का स्कोर है तीन गेम्स के चार गेम्स के अंदर बी प्लेयर ने जीरो स्कोर किया एट स्कोर किया सिक्स और फोर्थ और सी प्लेयर ने गेम वन में एट गेम टू में इलेवन और गेम थ्री उसने प्ले ही नहीं किया और गेम फोर में थर्टीन ठीक है अब हमें फाइंड आउट क्या करना है फाइंड आउट करना है फाइंड द मीन ऑफ डिटरमिन फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम आपको क्या करना है आपको मीन फाइंड आउट करना है किसका प्लेयर ए का ठीक है प्लेयर ए का एवरेज फाइंड आउट करना है एवरेज कह सकते हो मीन कह सकते हो अरिथमेटिक मीन कह सकते हो बात एक ही है तो उसका एवरेज फाइंड करना है आपको ठीक है सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल नंबर बाय थ्री और फोर वाई मतलब आप सी का मीन फाइंड आउट करना है आपको और आपको यह भी बताना है कि आप उसको डिवाइड थ्री से करोगे या फोर से करोगे क्योंकि उसने एक तो प्ले ही नहीं किया तो मीन निकालने के लिए सम ऑफ द ऑल द ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला होता है तो अब टोटल ऑब्जर्वेशन में आप क्या आप, तीन लोग हैं या चार लोग है? ये बताना है और थर्ड पार्ट है बी प्लेड इन ऑल फोर बी प्लेड इन ऑल द फोर गेम्स वुड यू हाउ वुड यू फाइंड द मीन सारे के सारे बी का आपको क्या माइंड फाइंड करना है आपको बी का भी मीन फाइंड बी प्लेयर का भी मीन फाइंड करना है और ये बताना है लास्ट हु इज द बेस्ट परफॉर्मेंस सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर फाइव अब क्वेश्चन नंबर फाइव के फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट पार्ट में वैट वोट वी है एवरेज नंबर ऑफ पर गेम तो ए ए का का एवरेज एवरेज निकालना है तो फर्स्ट पॉइंट एज एवरेज स्कोर तो फॉर्मूला होता है एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल लगाना भूल जाती हूं टोटल नंबर ऑफ गेम्स ठीक है तो उसमें था हमारा फोर्टीन प्लस सिक्सटीन प्लस टेन प्लस टेन उसने गेम वन में फोरटीन स्कोर किया था गेम टू में सिक्सटीन गेम थ्री में टेन और गेम फोर में भी टेन तो सबको प्लस कर दिया और टोटल कितने नंबर ऑफ गेम्स थे फोर गेम्स थे डिवाइडेड बाय फोर किया मैंने इन चारों को प्लस किया तो मेरा आंसर आया फिफ्टी डिवाइडेड बाय फोर तो मेरा आंसर आएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव अगर मैं फिफ्टी को फोर से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो आंसर आया देर फोर एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड बाय ए इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव यह हमारा फर्स्ट हो गया सेकेंड क्या था टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल नंबर बाय थ्री और फोर वाई तो अगर हम सी को मीन निकालते हैं तो हम सी का सी थ्री से डिवाइड करेंगे कि फोर से डिवाइड करेंगे क्यों, क्योंकि थ्री वाले ने सी वाले ने एक गेम प्ले किया ही नहीं था तो हम कैसे लिखेंगे सी प्लेड ओनली थ्री गेम्स सी ने केवल तीन गेम प्ले किए थे सो वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय थ्री हम टोटल पॉइंट्स को थ्री से डिवाइड करेंगे ना कि फोर से क्योंकि उसने एक गेम तो खेला ही नहीं था अब थर्ड क्वेश्चन है बी प्लेड इन ऑल द फोर गेम्स बी जो है सारे के सारे गेम्स खेला ठीक है वुड यू हाउ वुड यू फाइंड द मीन आप उसका मीन फाइंड करना है तो थर्ड वाले का होगा थर्ड वाला ये है हमारा बीज एवरेज बी का एवरेज निकालना है तो वही एवरेज का फॉर्मूला लिखा हमने सम ऑफ ऑल द पॉइंट्स अपॉन नंबर ऑफ गेम्स टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गेम्स ठीक है टोटल नंबर ऑफ गेम्स तो सम ऑफ ऑल द पॉइंट्स उसमें सी ने कहा क्या किया था उसमें उसके थे सी के थे जीरो एट सिक्स और फोर तो जीरो प्लस एट प्लस सिक्स प्लस फोर गेम न में जीरो थे गेम टू में एट थे गेम थ्री में सिक्स थे गेम फोर में फोर्थ थे इन सबको प्लस किया डिवाइडेड बाय फोर किया प्लस किया तो मेरा आंसर आया एटीन डिवाइड बाय फोर दैट इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव तो बीज एवरेज स्कोर इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव ठीक है अब फोर्थ क्वेश्चन था हु इज द बेस्ट परफॉर्मर तो फोर्थ था हु इज द बेस्ट परफॉर्मर बेस्ट परफॉर्मर निकालने के लिए पहले हमको सी का भी निकालना पड़ेगा भी तो बता पाएंगे ए बी सी तीनों का निकाल पा पाएंगे तभी तो बता पाएंगे कि बेस्ट परफॉर्मर कौन है सी इज एवरेज स्कोर दैट इज सम ऑफ ऑल द पॉइंट्स अपॉन नंबर ऑफ गेम्स तो उसमें उसने तीन ही गेम खेले थे तो एट प्लस इलेवन प्लस थर्टीन डिवाइडेड बाय थ्री तीनों को प्लस किया तो मेरा आया थर्टी टू अपॉन थ्री दैट इज इक्वल टू टेन पॉइंट सिक्स सेवन सो सीज एवरेज स्कोर इज टेन पॉइंट सिक्स सेवन ठीक है अब कंपेयर करेंगे दे बाय कंपेयरिंग द एवरेज स्कोर ए बी एंड सी वी फाइंड दैट एज एवरेज स्कोर इज मैगजिमम दैट इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव ए का सबसे ज़्यादा स्कोर था ट्वेल्व पॉइंट फोर सो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर बस ऐसे लिखेंगे एज एवरेज इजल टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव बी इज एवरेज इजल टू फोर पॉइंट फाइव ठीक है आपको यही बताना है कि बी का एवरेज कितना था तो ए का एवरेज था ट्वेल्व पॉइंट फाइव बी का एवरेज था फोर पॉइंट फाइव सो इन दिस वे यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इज द मार्क्स आउट ऑफ हंड्रेड हंड्रेड में से मार्क्स मिले हुए हैं ये ऑप्टेंड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट साइंस टेस्ट के अंदर ये सारे मार्क्स दिए हुए हैं फाइन द क्या फाइन करना है आपको फर्स्ट हाईएस्ट ना लोएस्ट मार्क्स बाय द स्टूडेंट सबसे ज्यादा मार्क्स कितने मिले सबसे कम मार्क्स कौन से मिले रेंज फाइंड आउट करनी है आपको रेंज तो आपको पता ही हाईस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू और मीन मार्क्स ऑप्टेन बाई द ग्रुप और साथ में आपको क्या फाइंड करना है मीन मार्क्स तो लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टूडेंट मार्क्स ऑप्टेन बाई द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आउट ऑफ हंड्रेड ये मार्क्स ऑप्टेन किए हैं साइंस के अंदर इन सब्जेक्ट साइंस तो लिख दे इन सब्जेक्ट साइंस ठीक है लिख देते हैं तो फर्स्ट है हाईएस्ट मार्क्स ऑफ कितने हैं नाइन्टी फाइव सबसे ज्यादा मार्क्स कितना है ये नाइन्टी फाइव है और लोएस्ट मार्क्स कितना है आपका लोएस्ट मार्क्स ऑफ इज इज टू थर्टी नाइन ये थर्टी नाइन लोएट मार्क्स है यही पूछा है क्वेश्चन नंबर में हाईस्ट मार्क्स ऑफ दैट इज गल टू नाइनटी फाइव लोएस्ट मार्क्स ऑफ दैट इज इक्वल टू थर्टी नाइन सेकेंड क्वेश्चन है आपको रेंज ऑफ द मार्क्स ऑफ रेंज क्या है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑफ दैट इज इक्वल टू हाइएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स यही फॉर्मूला है हाइस्ट मार्क्स कितना है नाइन्टी फाइव माइनस थर्टी नाइन माइनस किया दोनों को आया फिफ्टी सिक्स मार्क्स दैट इज द रेंज थर्ड क्वेश्चन है मीन मार्क्स ऑपटेन मीन मार्क्स ऑप्टेन बाय द ग्रुप टोटल नंबर ऑफ मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मैंने इन सबको प्लस किया मीन इन सबको प्लस कर दिया मैंने जितने भी मार्क्स साइंस में ऑप्टेन किए थे सबको अप डिवाइड बाई टेन क्योंकि टोटल कितना था टेन था देख लीजिए आप काउंट कर लीजिए चाहे तो काउंट कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन कितने टेन तो टोटल कितना है हमारा टेन तो so, हमने डिवाइड कर दिया उसको टेन से इनको सबको प्लस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा सेवन हंड्रेड एंड थर्टी आपको प्लस करके देखना पड़ेगा कि कितना आता है दैट इज सेवन हंड्रेड एंड थर्टी डिवाइडेड बाई टेन जीरो जीरो कैंसिल मेरा आंसर आ जाएगा मीन इज इक्वल टू सेवेंटी थ्री सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स सो स्टूडेंट आई एंड माई वीडियो हियर ओनली वी विल सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज Tomorrow. Up till then, goodbye. Thank you and have a nice day.